करते जाएं। ठीक हो गया। अब क्या प्रोसीजर हमारा बाकी रह गया है, अब इसमें हमने डालना है मैदा डालना है और इसमें डालेंगे हम बाकी की चीजें। इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके हम मैदा डालेंगे। आपने इसकी डायरेक्शन देखनी है कि डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में आपने घुमाना शुरू करना है उसी डायरेक्शन में आपने इसको रखना है। थिकनेस आपने देख लेनी है इसकी, ये देखें थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें डालते जाएं। जी बाहर दही भल्लों वाला किस किस की गली में स्ट्रीट में मोहल्ले में कॉलोनी में दही भल्लों वाला आके कहता है दही भल्ले। नात कुरान, जी जी नात कुरान, बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहने के लिए। अल्लाह ताला आपको हमेशा मेरे साथ रखे और हम इकट्ठे जो है वो तरक्की करें। इंशाल्लाह ये जी इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से। प्लीज मुझे ज्वाइन करते जाएं, मेरे साथ रابطے में रहें और मुझे लाइक करते जाएं। मेरे मामू जान की कॉल आ रही है बार बार, मैं उन्हें डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। मामू जान अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज मुझे लाइक ज्वाइन कर लें, लाइक ज्वाइन कर लें। मैं अभी आपकी कॉल नहीं रिसीव कर सकती हूँ। मामू सईद मेरे एक ही मामू जान है, अल्लाह ताला उनको सेहत और जिंदगी वाली। इसको बंद कर दें, फटाफट कर दें। जी अवैस मजर कह रहे हैं कितने टाइम में बनेगा ये? तकरीबन बनने में तो 5 मिनट ही लगेंगे, लेकिन इसकी प्रिपरेशन में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो टाइम भी हम इसलिए लगा रहे हैं कि आपसे बातें कर रहे हैं, नहीं तो ये विदिन 5 मिनट में जो केक है रेडी हो जाता है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा 1 टेबल स्पून के करीब इसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं। अवैस मजर कितने टाइम में बनेगा जी? नात कुरान, जी जी अगर आपको ये थोड़ा सा पतला लगे तो आप इसमें मैदा जो है और ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसकी थिकनेस जो है बहुत अच्छी है। इसमें से हम थोड़ा सा दूध यूज़ करेंगे, थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच के करीब मैंने दूध शामिल किया है।